नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 4 जून को नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम में 67 स्टूडेंट्स के रैंक 1 आए हैं। अधिकतर छात्रों को पूरे 100 मार्क्स मिले हैं। इसके तुरंत बाद कई छात्रों को अपने अंकों में गड़बड़ी की आशंका हुई, विवाद बढ़ा और नीट UG 2024 रिजल्ट को रद्द करने की मांग होने लगी। एक तरफ जहां नीट रिजल्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीट स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर एक एड खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एड का अंदाज भी कुछ अनोखा है। इस एड में कहा गया है कि नीट के ऐसे स्टूडेंट्स जो निराश हैं, वो नीट IIT JEE को छोड़कर क्लैट के बारे में सोचे। एक न्यूज़पेपर में दिए गए इस एड में अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वो नीट की तैयारी को छोड़कर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करें। आपको बता दें कि इसे 9 जून को शेयर किया गया था और इसके शेयर करते ही इस पर 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और 5,000 से ज़्यादा लाइक हैं। इस एड पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने दिए गए समय से पहले यानी 4 जून को ही नीट UG 2024 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। नतीजे आने के तुरंत बाद कई छात्रों को अपने अंकों में अंतर का पता चला। नीट UG पेपर लीक और उसमें हुई धांधली को लेकर पटना सहित देश भर के अन्य राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। मेडिकल छात्रों ने अपने अंकों से संतुष्टि जताई है और नीट UG 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इस मामले की गहन जांच भी चाहते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ग्रेस मार्क्स लेने वाले 1563 स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया है और सभी के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीट UG रिजल्ट पर एक तरफ जहां मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, स्टूडेंट्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। पटना में भी छात्र सड़क पर उतर गए हैं। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी लगाई गई है। इस याचिका में 20 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम 2024 को रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में नीट स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर एक एडवर्टाइजमेंट खूब तेजी से वायरल हो रहा है। यह एडवर्टाइजमेंट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीट और IIT के ऐसे स्टूडेंट्स जो निराश हैं, वो इन सब को छोड़कर क्लैट के बारे में सोचें। इस वायरल पोस्ट के कमेंट में भी लिखा गया है कि मार्केटिंग कोई लॉ प्रेप पटना वालों से सीखे। इस पूरे मामले पर जब लाइव सिटीज ने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन से बातचीत की, तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन ने बताया कि लॉ की पढ़ाई में विकल्पों की भरमार है, करियर के कई विकल्प मौजूद हैं। लॉ एक ऐसा सेक्टर बनकर उभरा है जिसमें पारंपरिक वकालत के साथ साथ दूसरे करियर विकल्प जुड़ रहे हैं। एक ही डिग्री से कई दूसरे विकल्प हासिल हो रहे हैं और लॉ ग्रेजुएशन के पास संभावनाओं का बड़ा क्षेत्र इंतजार कर रहा है। इसमें कॉरपोरेट वकील, कानूनी सलाहकार, ज्यूडिशियरी और सिविल सर्विसेज, मीडिया और प्रकाशन, कंपनी सचिव, गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी जैसे करियर विकल्प
हो सकते हैं। एक ही डिग्री करने के बाद इन सभी क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक संस्थान से जुड़कर ही काम करें। सेवाओं के बदले फीस का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। आपको बता दें कि क्लैट में पिछले कई सालों से लॉ प्रेप का जलवा है। अभी पिछले साल दिसंबर में कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2024 के नतीजे घोषित किए, जिसमें देश भर में लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना का डंका बजा। इस संस्थान के छात्र जय ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ इतिहास रच दिया। जय ने 118 में से 108 नंबर हासिल किए। इसके साथ ही लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के पटना ब्रांच के छात्रों ने भी सफलता का परचम लहराया। पटना ब्रांच ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में घोषित हुए नतीजों में संस्थान से 175 से ज्यादा छात्रों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर बिहार का मान बढ़ाया और पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब नीट रिजल्ट गड़बड़ी मामले के बीच लॉ प्रेप एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। लॉ प्रेप के इस अनोखे विज्ञापन की खूब चर्चा हो रही है। इस एड में कहा गया है कि नीट के ऐसे स्टूडेंट्स जो निराश हैं, वो नीट, आईआईटी, जेई को छोड़कर क्लैट के बारे में सोचे। एक न्यूज़पेपर में दिए गए इस एड में अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वो नीट की तैयारी को छोड़कर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करें। आपको बता दें कि इसे 9 जून को शेयर किया गया था और इसके शेयर करते ही इस पर 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं और 5,000 से ज़्यादा लाइक हैं। इस एड पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लॉ प्रेप की इस अनोखे ऐड को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।